द क्रिटिकल पेट्रियट देखने वाले सब दोस्तों को खुश आमदीद। आज मेरे साथ शरीक गुफ्तगू हैं मोहम्मद बदर आलम साहब। वो 10 साल तक हेरल्ड के एडिटर रहे, उससे पहले भी जर्नलिज्म करते रहे और गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से इन्होंने तालीम हासिल की और गुज़श्ता 6-7 साल से थर के इशूज़ पे काम कर रहे हैं। बदर साहब, 5 साल पहले सुहेल वड़ाइच ने जियो पे एक शो किया था, थर पार्कर में एक दिन गुजारा था, तो उसमें उन्होंने बड़े सारे मसाइल की निशानदेही की। मसलन नमकीन पानी की वजह से वहाँ लोगों की उम्र जो है वो 50 या 60 साल से ऊपर पहुँचने में दिक्कत होती है, उनकी हड्डियाँ जवाब दे जाती हैं और उनके दांत जो हैं लोगों के गिरना शुरू हो जाते हैं इसलिए कि वो पानी इतना गैर सेहतमंद है। और उन्होंने कहा कि ये लोग सदियों पुरानी दुनिया में रह रहे हैं। और बच्चों को दिखाया उसने खाना खाते वक्त कि रोटी के टुकड़े के साथ प्याज मयसर था उनको, यानी अनियन के साथ वो खाना खा रहे थे। कहत का ज़माना चल रहा है। फिर ये भी उन्होंने कहा कि इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट जो है यहाँ बहुत ज़्यादा है, 600 बच्चे फौत हो चुके थे। तो फिर उन्होंने नवीद भी सुनाई कि जी यहाँ की तकदीर बदलने वाली है, तो वो तकदीर किस हद तक बदली? ये मेरा ख्याल है वो हमारे बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं सुहेल वड़ाइच साहब और हमारे उस्ताद हैं, मगर मेरा ख्याल है कि ये इस तरह की जो स्टीरियोटाइपिंग है ये थोड़ी सी हमारे जर्नलिज्म की बदकिस्मती ये है कि उसकी तरफ हम चले जाते हैं। देखें, आपको पाकिस्तान में शरीर गुर्बत सिर्फ थर में नहीं मिलेगी, बहुत जगह पर मिल जाएगी। आपको पंजाब के अजला में, वस्ती पंजाब के अजला में, लाहौर में, कराची में, रावलपिंडी में, इस्लामाबाद में, हर जगह आपको शरीर गुर्बत मिल जाएगी। तो आप उस शरीर गुर्बत को अगर सिलेक्टिविटी उठा के कहें कि देखें ये लोग जो हैं ये जमाना कदीम में रह रहे हैं और इनके कोई हालात नहीं है और अब एक डेवलपमेंट स्कीम आने वाली है जिस स्कीम से इनके हालात मुकम्मल तौर पे बदल जाएंगे, तो ये वही आप एक समझें एक तरीकाकार है जर्नलिज्म का, जिसमें मैं किसी एक बंदे को ब्लेम नहीं कर रहा, जिसके जरिए जर्नलिज्म राह हमवार करता है उन पॉलिसियों की जो शायद मकामी लोगों के हक में नहीं होती। अब अगर आप इसको जो खुशखबरी या जो उन्होंने नवीद सुनाई कि इस इलाके की तकदीर बदलने वाली है, वो यकीनन इशारा ये था कि वहां पे कोयले की जो है वो माइनिंग हो रही है और कोयले से वहां से बिजली पैदा की जा रही है, तो इन दोनों चीजों से ये जो है थर के लोग जो हैं वो बहुत खुशहाल हो जाएंगे। अब सूरत हाल ये है कि कोयले की इस वक्त दो बड़ी कानें वहां पे काम कर रही हैं थर के अंदर, और उन दोनों कानों में थर के मकामी लोगों को जो रोजगार मिला है वो अगर आप बहुत ही उसको आदादो शुमार को खींच तान के बयान करेंगे तो वो सैकड़ों में है, हजारों में भी नहीं है। तो थर की टोटल आबादी 16 लाख से ज्यादा है। 16 लाख की आबादी में अगर चंद हजार लोगों को वहां पे नौकरियां मिल गई हैं और वो भी मैनुअल लेबर की, यानी चौकीदार की नौकरी है, माली की नौकरी है, कहीं पे कोई इसी तरह की कोई और अनस्किल्ड लेबरर की नौकरी है, तो उससे कैसे खुशहाली वहां पे आ सकती है। और उसकी फ्लिप साइड ये है कि ये दोनों जो बड़ी माइंस हैं इनके लिए हजारों एकड़ जमीन लोगों से ले ली गई है जिसके ऊपर उनका इन्हिसार था, और ना सिर्फ जमीन ले ली गई है बल्कि बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जो नो गो एरियाज उनके लिए बन चुके हैं। और आपको ये सुन के शायद हैरानी होगी कि थर जो है वो पाकिस्तान का शायद वाहिद जिला है जहाँ पे इंसानी आबादी के तनासब से जो मवेशी हैं उनकी आबादी बहुत हाई है, यानी थर की जो इंसानी आबादी है वो 16 लाख के करीब है, मगर जो थर की मवेशियों की आबादी है वो 66 लाख से भी ज्यादा है। तो पर कैपिटा जो एक मवेशियों की आबादी बनती है वो बहुत ही हाई है, शायद पाकिस्तान में सबसे हाई हो, मुझे मेरे पास एग्जैक्ट नंबर्स नहीं है, मगर ये कि अब वो माइनिंग की वजह से और कोल बेस्ड पावर की वजह से जगह जगह पे खारदार तारें बाड़े लगा दी गई हैं, वो मवेशी वहां से गुजर ही नहीं सकते, और बहुत जगह पे उनकी जो गौचर थी जो आप एक कह लें कि मकामी कम्युनिटी की इज्तिमाई मिल्कियत होती थी वो बहुत सारी जगहों पे वो गौचर खत्म हो गई है। तो गौचर का खत्म होना, ये इस तरह के जो बाड़े लगा के मवेशियों की गुजरगाह बंद कर देना, और उसके साथ साथ पानी का आपने जिक्र किया, जहां जहां पे कोल माइनिंग हुई है वहां वहां पे अंडरग्राउंड पानी सॉल्टी क्या बिल्कुल ही खत्म होता जा रहा है, और जहां जहां पे कोल माइनिंग का पानी निकाल के दूसरी जगह पे माइन के अंदर से बहुत सारा पानी निकाला जाता है ताकि कोयले को खुश करके निकाला जा सके।
तो वो जो माइन का पानी निकाला जा रहा है वो कुछ 70 किलोमीटर दूर एक और जगह पे फेंका जा रहा है, जहां पे वो फेंका जा रहा है वहां पे पानी के अंदर टोटल डिजॉल्व्ड जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी मिकदार हर तरह के स्टैंडर्ड से बहुत बढ़ चुकी है, और उस इलाके में सेम का खतरा पैदा हो गया है। आप 3 फुट 4 फुट 5 फुट जमीन खोदे तो पानी निकल आता है। तो ये मेरा नहीं ख्याल कि थर के लोगों की किस्मत अच्छे तरीके से बदली है। हाँ बदली जरूर है, मगर शायद बदतर तरीके से बदल गई। अच्छा क्या वजह है कि स्टेट ने उस पर कोई तवज्जो नहीं दी? क्या उसकी वजह ये है कि वहाँ की ऑलमोस्ट 50% आबादी हिंदू है, तो इस वजह से उनको निग्लेक्टेड रखा गया? जी ये थोड़ा कहना मुश्किल है कि वाहिद वजह रिलीजन है, मगर ये कि हमारी स्टेट का जनरल एटीट्यूड जो डेवलपमेंट की तरफ है वो यही होता है कि टोकनिज्म के तौर पे कोई सड़क बना देते हैं तो उसको बहुत पोर्ट्रे करते हैं, कोई स्कूल बना देते हैं तो उसको बहुत प्रोपेगेट करते हैं कि देखें हमने ये कर दिया। मगर प्रॉब्लम बुनियादी तौर पर जो होती है वो स्कूल और सड़क या अस्पताल से ज्यादा लोगों की लैंड राइट्स की बात होती है, लोगों के वाटर राइट्स की बात होती है, लोगों के कल्चरल और आप कह लें इकोनॉमिक राइट्स की बात होती है। स्टेट अपनी डेवलपमेंट के अंदर इन चीजों को कतई नजरअंदाज करती है। उसकी एक बहुत वाज़े मिसाल है पाकिस्तान के अंदर, जिससे अनफॉर्चुनेटली हमने कोई सबक नहीं सीखा। सुई, आप देखें सुई के इलाके से हम 1950 से गैस निकाल के पूरे पाकिस्तान में इस्तेमाल करते रहे और सुई के इलाके की तरफ हमने कोई तवज्जो नहीं दी, सिवाय इसके कि हमने कहा जी हाँ हमने वहां कोई स्कूल खोल दिया है, वहां पे सड़क पहुंच रही है, ये लोग जमाने कदीम के तरीकाकार से रह रहे थे, हमने इनको जमाने जदीद में पहुंचा दिया है। मगर आज आप देखें कि सुई जो है वहां पे जो ट्रबल्स हैं हमारी, उसकी बुनियाद वही हमारी नाकिस डेवलपमेंट की पॉलिसी है, जिसकी वजह से हमने रिसोर्स एक्सट्रैक्शन और रिसोर्स एक्सप्लॉयटेशन पे जोर रखा और लोगों के राइट्स की ऊपर तवज्जो नहीं दी। यहाँ भी थर पार्कर में मसला सड़क नहीं है, मसला स्कूल नहीं है, मसला रिवर्स और ऑस्मोसिस प्लांट नहीं है पानी के, मसला लोगों के लैंड राइट्स हैं, मसला लोगों की डिस्प्लेसमेंट है, मसला लोगों के जो आप कह लें कल्चर और उनके समाजी ढांचे के अंदर जो इंतशार आ रहा है वो है। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ कि शंघाई इलेक्ट्रिक एक पावर हाउस वहां पे चला रही है, उस पावर हाउस के एन बाउंड्री लाइन के ऊपर झोंपड़ पट्टियां हैं भील कम्युनिटी की, जो के एक हिंदू बिरादरी है, तो वो भील कम्युनिटी की झोपड़ियां हैं बिल्कुल उसके राइट आउटसाइड दैट प्लांट, और उनके अंदर बिजली नहीं है। और बिजली ना देने का जवाब ये है कि ये जी पावर प्लांट की ज्यूरिसडिक्शन से बाहर है, यानी 1.5 फुट बाहर है, तो इनको हम कैसे दे सकते हैं? और उनको कोई डिस्प्लेसमेंट करके उनकी कहीं के पे बसाते भी नहीं है, कहते हैं ये तो थर कोल फील्ड ब्लॉक की हदूद से बाहर रहते हैं, इनका कोई हक नहीं बनता कि इनको डिस्प्लेस करके कहीं पे नए घर बना के दिए जाए। तो इस तरह की छोटी छोटी और बड़ी बड़ी बातें हैं जो स्टेट अपनी पॉलिसी के अंदर नजरअंदाज करती है, जिससे लोगों के अंदर एक खास तरह का आप कह लें डिसअपॉइंटमेंट, डिसइल्यूजन जन्म लेती है, और उस डिसइल्यूजनमेंट और उस डिसअपॉइंटमेंट के नतीजे में हमें अपने पूरे माशरे में एक जगह पे नहीं, दो जगह पे नहीं, दसियों जगह पे हमें लोगों के अंदर एक हैजान, लोगों के अंदर एक इज़्तिराब और एक सियासी और माशरती बदअमनी और बेचैनी नजर आती है। तो इसको मजहब से जोड़ लें तो जो लोग नॉन मुस्लिम है उनके अंदर ये बेचैनी और इज़्तिराब और भी शदीद होता है, क्योंकि वो माइनॉरिटी में होते हैं और माइनॉरिटी जो है उसके हुकूक का पहले ही पाकिस्तान में बुरा हाल होता है, उनको ये डर होता है कि अगर हम आवाज उठाएंगे तो हमें हमारे रिलीजन की बुनियाद पे कहीं टारगेट ना किया जाए, हमारे खिलाफ कोई प्रोसिक्यूशन का ऐसा सिलसिला शुरू ना हो जाए जिसमें फिर जो हमारे अपने इलाके में रहने वाले मुसलमान हैं वो भी हमारा साथ ना छोड़ दें। फिर तीसरी बात यह कि थर के जो हिंदूज हैं वो उसमें कई उनमें बिरादरियां हैं, यानी उनमें आपको ठाकुर भी मिल जाएंगे जो कि MP MNA बनते हैं, वहां पे आपको बनिया जो ट्रेडर क्लास है वो भी मिल जाएगी, उनके भी MNA इस वक्त मौजूद हैं और उस थर की सियासत में और भी उनके इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स मौजूद हैं। फिर आपको भील कोली और मेघवाड़ कम्युनिटीज और दसियों और छोटी छोटी जो बिरादरियां हैं उनके लोग मिल जाएंगे जो ज्यादातर डिसएम्पावर्ड है। उनमें से कुछ लोगों को टोकनिज्म के तौर पे सेनेट में और प्रोविंशियल असेंबली में और इधर उधर लेके आ जाते हैं, मगर मजमूई तौर पे उन कम्युनिटीज की हालत में कोई बहुत ज्यादा तब्दीली नहीं आई। अच्छा बदर साहब, ये लोग जो हैं बहुत सारे हिंदू 65 की जंग में और फिर 1971 की जंग में यहाँ से चले भी गए थे,
तो क्या स्टेट की जो है सिक्योरिटी के साथ जो कंसर्न है, बहुत से लोग कहेंगे सिक्योरिटी पैरानोया है, उसकी वजह से ये सब कुछ होता है? जी, सिक्योरिटी पैरानोया भी एक वजह है। फिर जो आपने शुरू में बात की, एक फिजा भी कायम कर दी जाती है हमारे पूरे माशरे में, जिसमें हमें बचपन से पढ़ाया जाता है कि अंग्रेज शायद इतना बड़ा हमारा दुश्मन नहीं था जितना हिंदू हमारा दुश्मन था। और असल में हम अंग्रेज से तो आजादी हासिल कर ही रहे थे, मगर हमारा बुनियादी जो प्रॉब्लम था वो ये था कि अंग्रेज चले गए तो हिंदू हमें दबा के रख लेंगे। तो वो एक जो एक जेनेरिक वेरी ब्रॉड हमने जनरल किस्म का एक परसेप्शन अपने अंदर बनाया हुआ है, उसमें ये बेचारे माइनॉरिटीज के लोग, स्पेशली जो हिंदू हैं, क्योंकि बॉर्डर की दूसरी साइड पे हिंदू आबादी की अक्सरियत है, तो वो उनको हमने एक सब के सब को फिफ्थ कॉलमनिस्ट बना दिया है। जब हमने उनको फिफ्थ कॉलमनिस्ट बना दिया है, तो वो फिर एक बहुत, आप समझ लें कि उनके लिए यहाँ पे एक नॉर्मल तरीके से जिंदा रहना आसान नहीं है। ना सिर्फ ये कि स्टेट उनको शको शुबा की नजर से देखती है, बल्कि सोसाइटी भी उनको शको शुबा की नजर देखती है। फिर आप इसके साथ एक और बहुत आम चीज को जुड़ा हुआ देखें, थर के अंदर खास तौर से आप देखें तो चूंकि अब इस वक्त थर में, थर पार्कर के अंदर, खास तौर से थर पार्कर जिले के अंदर हिंदुओं की अक्सरियत नहीं है, वो 50% से थोड़े से कम है, मगर आबादियों के अंदर जाएं तो बहुत बड़ी बड़ी जमीनें हैं जो हिंदुओं की मलकियत थी और उनपे लोगों की नजरें थी। तो उनको इस तरह से परेशान किया गया कि वो 65 और 71 की वॉर में उनको बेचारों को जाते ही बनी यहां से, और जब जाते हुए बनी तो उनकी जो लैंड्स हैं वो इवैक्यू प्रॉपर्टी के नाम पे और एनिमी प्रॉपर्टी के नाम पे, वो या तो स्टेट ने उनपे कब्जा कर लिया या उनके अपने ही जो हमसाये थे उन्होंने उस पर कब्जा कर लिया। तो ये एक रिसोर्स की जो आप कह रहे हैं ग्रैबिंग है, या रिसोर्स के ऊपर जो ओनरशिप को चेंज करना है, उस फैक्टर को भी इसमें डेफिनेटली मद्देनजर रखना चाहिए। अच्छा बदर साहब, वहां पे एक मसला जो है वो फोर्स्ड कन्वर्जन का भी सुनने में आता है, उसमें कितनी हकीकत है, कितनी एग्जैजरेशन है? थर में रिलेटिवली मसला ये कम है जी, मगर सिंध के दूसरे अजला में ये काफी है। थर में भी स्पोरेडिक केसेस मौजूद हैं फोर्स कन्वर्जन के, मगर थर में इससे ज्यादा जो हिंदू आबादियां अपने आप को खतरा समझती हैं, वो एक जो हमारे सेंट्रल पंजाब से एक जाने वाली माइंडसेट है, जिसमें तबलीग और दावत को लेके लोग जाते हैं, जिसमें लोग जो हैं वो वहां जाके वेलफेयर का काम शुरू करते हैं और फिर तबलीगी कैंप्स लगते हैं और फिर जो है वो मौलाना हजरात जाते हैं और वो फिर जाके तमाम किस्म की जो एक माइनॉरिटीज की एक कह रहे हैं उनको विलीफाई किया जाता है, उनको एक नेगेटिवली पोर्ट्रे किया जाता है। तो वो सारा काम वहां थर में बड़ी शदोमत से हो रहा है। और आपने जिक्र किया थर की हालत बदलने का, तो ये जो सड़कें गई हैं वहां पे, उससे बड़ी तरक्की माशाल्लाह ये हुई है कि आप इस तरह के मौलवी हजरात के ग्रोह जो हैं वो धड़ाधड़ वहां पे जा सकते हैं, पहले सड़कें नहीं थी तो कम जाते थे। तो इससे भी एक खतरा लाहक है वहां की जो हिंदू आबादियां हैं उनको, कि तबलीगी और वेलफेयर के कामों के सिलसिले में लोग आए और आके वो यहाँ पे माइनॉरिटीज के बारे में ऐसी बातें कहें जो कि माइनॉरिटीज को नागवार गुजरती हों, और माइनॉरिटीज बीइंग माइनॉरिटीज कमजोर हों, डिसएम्पावर्ड हों, वो उनके खिलाफ आवाज ना उठा सकती हों, तो वो अपने आप को थ्रेटेंड फील करते हैं। जी, मेरे इल्म में है जी, 2017 में एक साहब हैं अमीर हमजा, जिनका लश्करे तैयबा से ताल्लुक है, तो एक अखबार में कॉलम भी लिखते हैं वो, डेली दुनिया में, उन्होंने एक किताब लिखी, हिंदू धर्म इंसानियत का कातिल। तो वैसे तो हमारे यहाँ बड़ा बड़ी सेल्फ राइचियसनेस है, बड़ी मॉरल सुपीरियॉरिटी है कि जी हम दूसरे मजाहब पे कभी क्रिटिसिज्म नहीं करते, कभी उन पे तनकीद नहीं करते, और इस तरह की किताब जो है यहाँ पे छपी, लेकिन कोई उसके खिलाफ एक्शन नहीं हुआ ब्लैस्फेमी लॉज के तहत। तो इस तरह का जब माहौल होगा तो वहां का जो भाईचारा है वो भी तो मुतासर होता है ना उससे। बिल्कुल ऐसे ही है जी, वहाँ बड़ी एक फ्रेजाइल सोशल किस्म का बैलेंस है वहाँ पे। और अगर आप देखें तो कुछ चीजें बहुत अच्छी हैं, जो अच्छी चीजें उनको भी हाईलाइट करना चाहिए। अच्छी चीज ये है कि ये एक मुस्लिम मेजोरिटी का इलाका है थार, और मुस्लिम मेजोरिटी के इलाके के जो MNA हैं उनका ताल्लुक हिंदू बरादरी से है, और वो सारे जो वोट, उनको भी 1 लाख से ज्यादा वोट पड़े हैं, वो सारे के सारे हिंदुओं के वोट नहीं है, उनको बहुत सारे मुसलमानों ने भी वोट दिए हैं।
बेतहाशा मुसलमानों ने वोट दिए, जिसका मतलब ये है कि थर के लेवल पे जो दोनों मजाहिब हैं उनके मानने वालों के दरमियान कोई बहुत ज्यादा टेंशन हमें नजर नहीं आती। अगरचे कुछ छोटे छोटे प्रॉब्लम्स हमें नजर आते हैं जिनकी वजह से जो मकामी हिंदू आबादी है वो थोड़ा सा खौफ का शिकार होती है, थ्रेटेंड फील करती है, यानी बड़े बड़े मजहबी इज्तिमात का होना, यानी इज्तिमाई कुर्बानियां जो गाय की हैं वो उनको पब्लिकली ऐसे इलाकों में करना जो हिंदू आबादी के पास हों या उनके ही अंदर करना, तो इससे वो थ्रेटेंड फील करते हैं। मगर थैंकफुली अभी तक बहुत बड़े फ्रैक्चर्स हमें नजर नहीं आते थर की जो मुस्लिम बरादरी है और थर की जो हिंदू बरादरी है उसके दरमियान, पॉलिटिकल लेवल पे, सोशल लेवल पे, कल्चरल लेवल पे काफी हमें हम आंगी और तालमेल नजर आता है। कोई बड़े जो आप कह लें रिलीजियस वायलेंस के इश्यूज, रिलीजियस वायलेंस के इंसिडेंट्स अभी तक हमें नजर नहीं आए थैंकफुली। मगर अगर हम इसको, जैसे आपने इस किताब का जिक्र किया या इस किताब के अलावा भी हमारे उलमा जो हैं उनका बहुत सारा डिस्कोर्स दूसरे मजाहब को नीचा दिखाने के ऊपर लगा होता है, तो उससे जाहिर है जो दूसरे मजाहब के मानने वाले पाकिस्तानी हैं वो ये क्वेश्चन तो करेंगे कि क्या हम अपने आप को सेफ समझें जबकि ये डिस्कोर्स हमारे इर्द गिर्द हर वक्त इतनी तेजी से, इतनी शदोमत से हो रहा है। तो ये एक आप कह लें एक अनसर्टनिटी, एक थ्रेट, एक ये एक तरह का खतरा के कहीं हमें जबरदस्ती मेजॉरिटी में जमना कर लिया जाए या हमें कोई तरगीब तहरीस दे के हमारे जो कमजोर लोग हैं उनको अपने मजहब में शामिल न कर लिया जाए और हमारी जो तादाद है थर के अंदर उसको किसी तरह जो कम ना कर दिया जाए, और उस तादाद के साथ जुड़े हुए और बहुत सारे मजाहिर हैं, जैसे दिवाली का त्यौहार जो है वो उमरकोट और थर में बहुत एक प्रोमिनेंट कल्चरल इवेंट है। तो अगर हमारे ये इसी तरह के जाके करते रहे हम बातें तो जो मकामी मुस्लिम हैं वो शायद अपने आप को अलहदा कर लेंगे इन कल्चरल त्योहारों से, और सिंध के जो थर के हिंदू हैं और सिंध के मकामी बाकी इलाकों के हिंदू हैं वो हमारे जो मुसलमानों के त्यौहार हैं उनको बड़ी शौक से मनाते हैं। तो जिस तरह हमने बाकी जगहों पे मुल्क में तकसीम को बहुत शदीद कर लिया है, खा वो मुसलमानों के अंदर फिरकाबाजी की तफरीक है और खा वो बैनुल मजाहिब तफरीक है, तो वो बैनुल मजाहिब तफरीक का डर या खतरा ये है कि वो भी अगले कोई 10-15-20 सालों में इतनी ही शिद्दत से थर में पहुंच जाएगी जिससे थर की जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज हैं वो शायद अपने वजूद को एक एक थ्रेट में, एक खतरे में महसूस करेंगी। अच्छा, उमरकोट की आपने बात की, वहां तो सुना है कि 50% से भी ज्यादा हिंदू हैं, तो वहां के एमएनए कौन हैं और ये जो है थरपारकर, यहां के एमएनए एमपीए कौन हैं? जी, थर के अंदर नेशनल असेंबली की जो एक सीट है वहां से महेश मालानी साहब हैं, वो मिट्टी के रहने वाले हैं, ट्रेडर क्लास से उनका ताल्लुक है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वो रिप्रेजेंट करते हैं। उमरकोट से नवाब यूसुफ तालपुर हैं, वो बड़े सीनियर पार्लियामेंटेरियन हैं, आप भी उनको शायद जानते हो अगर आपने पार्लियामेंट कवर की है, तो वो उनका ताल्लुक भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है। फिर हमारे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत सरकर्दा रहनुमा हैं शाह महमूद कुरैशी साहब, इन्होंने पिछले 2-3 इलेक्शंस लड़े हैं थर से भी और उमरकोट से भी, और बड़े साइजेबल वोट्स लिए हैं, अगर से वो जीत नहीं सके वहां से, मगर उन्होंने कभी 70,000 कभी 75,000 इस तरह बहुत, यानी हाई नंबर ऑफ वोट्स वहां से हासिल किए हैं। अच्छा बदर साहब, ये बताइएगा कि डॉक्टर समर मुबारक मंद जिन्होंने मिसाइल प्रोग्राम पे बहुत काम किया, तो उनको जो है थरपारकर कोल प्रोजेक्ट दे दिया गया था और सुना यह है कि कोई 12 अरब रुपया उन्होंने जाये किया, उसकी क्या तफसील है? और इनका एक और भी वो मैंने स्टेटमेंट देखी थी, हमारे बहुत सारे जो न्यूक्लियर साइंटिस्ट हैं, मिसाइल साइंटिस्ट हैं, वो इस तरह के बयान देते रहते हैं। एक अगर कहेगा कि जी हम 20 मिनट में इंडिया को तबाह कर सकते हैं, तो दूसरा आके कहता है जी हम 15 मिनट में ये काम कर सकते हैं, फिर एक तीसरा आता है वो कहता है जी हम 10 मिनट में ये काम कर सकते हैं, तो क्या साइंसदानों का ये काम होता है कि इस तरह के बयान दें? ये बिल्कुल नहीं होता जी, साइंस तो बहुत शक्को शुबा से शुरू होती है और उसमें जो इस तरह का तयक्कुन है, इस तरह का जो बहुत ही एक वन साइडेड किस्म की स्टेटमेंट दे देना है, वो तो शायद साइंस को और साइंसदान
बिल्कुल नहीं करना चाहिए, मगर ये बात किस्मती से पॉलिटिकल किस्म की स्टेटमेंट्स हैं जो हमारे साइंसदान देते रहते हैं, और उसकी रीजन जो है वो ये है कि अगर आप इंडिया को तबाही का एक लोगों को यकीन नहीं दिला सकेंगे कि हम इंडिया को तबाह नहीं कर सकते, तो फिर आपके सारे मिसाइल प्रोग्राम की जो जस्टिफिकेशन है वो खत्म हो जाएगी, आपकी जॉब्स खत्म हो जाएंगी, आपको जो पैसे मिलते हैं वो नहीं मिलेंगे। तो ये मेरा ख्याल है सेल्फ प्रेजर्वेशन है उनकी, अपने नौकरियों को अपने काम को बचाने की जदोजहद में वो करते रहते हैं, वरना एक अच्छा जो साइंसदान अपने साइंसी तरीके से जो बात करता है वो ऐसी बहुत स्वीपिंग किस्म की जजमेंट या स्वीपिंग किस्म की स्टेटमेंट वो नहीं करता। एज फार एज थर्मियम के रोल का ताल्लुक है तो वो मुशर्रफ साहब के ज़माने में थर कोल जो था वो उसकी बातें बहुत होना शुरू हो गई थी कि पाकिस्तान के जो एनर्जी के मसाइल हैं इनके इनके लिए थर को कोल को एक्सप्लॉयट करना चाहिए। असल में इसके थोड़ा सा पीछे जाना चाहिए, थर कोल की दरियाफ्त 1990s में हुई थी, और 1990s में ही इसके ऊपर अगर आप जर्नलिज्म में इससे वाबस्ता हैं पुराने ज़माने से आपको अगर याद होगा तो 90s में जो बेनजीर भुट्टो की दूसरी गवर्नमेंट थी उसके अंदर एक हांगकॉन्ग के इन्वेस्टर आए थे यहाँ पे, उनका नाम था गोल्डन हु। तो गोल्डन हु के साथ 90s के अंदर मुहिदा ये हुआ कि आप थर कोल को एक्सप्लोर और एक्सप्लॉयट करेंगे और वहाँ पे आप बिजली के कारखाने लगाएंगे, ये 90s की बात है, आप जहन में रखिएगा ये। मगर उस वक्त हमारा जर्नलिस्ट जो तबका है उन्होंने उसके ऊपर बहुत प्रोपेगेंडा किया, और आज की हमारी जो रूलिंग पार्टी है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज वो बहुत हैंड इन ग्लव थी जर्नलिज्म के साथ, आपको मालूम ही है खास तौर से जो सेंट्रल पाकिस्तान का जर्नलिज्म है उसके साथ। तो उन्होंने कहा जी तो ये गोल्डन वो का जो सिलसिला है ये तो आसिफ जरदारी की करप्शन का सिलसिला है सारे का सारा, और इसमें तो आसिफ जरदारी के बहुत बड़े बड़े कमीशन उसने रखे हुए हैं, तो ये तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो वो गॉर्डन वू साहब जो है वो बहुत सारे MOUs उन्होंने दस्तखत किए और उसके बाद वो पाकिस्तान नहीं आए क्योंकि हमने उनको यहाँ से भगाने में अहम रोल प्ले किया। तो आज हमें दुनिया ये कह रही है कि भाई उस वक्त आप कोयला निकाल लेते तो 2009-10 तक आप कोयले का फायदा उठा के उस कोयले से शिफ्ट हो चुके होते आप सोलर पे और विंड पे, क्योंकि उस वक्त 90s में सोलर और विंड की जो टेक्नोलॉजीज थी वो इतनी एडवांस्ड नहीं थी, इतनी सस्ती नहीं थी। आज हम सोलर और विंड के जमाने में कोयले की तरफ जाना चाहते हैं। तो ये आयरनीज हैं कुछ हमारे मुल्क की और हमारी सहाफत की और हमारी सियासत की। खैर ये एक बात एक दो दूसरी तरफ चल निकली है। गोइंग बैक टू समर मुबारक मान साहब, वो आपको पता है मुशर्रफ साहब के जमाने में इंटरनल जो पॉलिटिक्स थी हमारे न्यूक्लियर मैदान की उसमें जो कदीर खान साहब थे वो डिसक्रेडिट हो गए, तो कदीर खान के सामने एक दूसरे हीरो को हमारी कौम ने या हमारे कौम तो नहीं कहना चाहिए हमारे जो साहिबान इक्तदार हैं उन्होंने एक दूसरे हीरो को प्रोजेक्ट करना शुरू कर दिया, वो हीरो समर मुबारक थे, और मुझे भी उनका इंटरव्यू हुआ है इत्तेफाक हुआ है करने का 2000s के अंदर। तो वो देन ही बिकेम लाइक अ टर्न की सोल्यूशन फॉर एवरी प्रॉब्लम्स दैट वी हैव। सो वो एनर्जी के प्रॉब्लम भी हल करना चाहते थे हमारे, वो सिक्योरिटी के प्रॉब्लम्स भी हल करना चाहते थे, वो एनवायरनमेंट के प्रॉब्लम्स भी हल करना चाहते थे, एंड ही हैड अ सोल्यूशन फॉर एवरीथिंग। तो उसी सिलसिले में उनको थर के भी बना दिया गया कि आप जाएं और जाके करें वहां पे। तो उन्होंने एक बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी है जिसको कोल अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन कहते हैं, तो अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन जो है वो दुनिया में कहीं कामयाब नहीं हुई, ना आज हुई है, ना आज से 20 साल पहले हुई है, ना आज से 50 साल पहले हुई है, ना आज से 100 साल पहले हुई। उन्होंने कहा जी मैं ये करके दिखाऊंगा। सो ही वेंट इनटू थार, उन्होंने एक पार्ट ऑफ लैंड वहां पे जाके उसको बाड़ बाड़ लगा के वहां पे काम शुरू कर दिया, और उन्होंने अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन का एक पायलट प्रोजेक्ट वहां पे चालू कर दिया। मगर वो प्रोजेक्ट जो है वो गैस तो निकल आई आजमाइशी बुनियादों पे, मगर ना उसकी कोई कमर्शियल वायबिलिटी थी और ना ही वो कोई एनवायरमेंटली फिजिबल था, वो अंडरग्राउंड पानी के लिए भी खतरनाक था, और ज़ेर ज़मीन जो जियोलॉजिकल मूवमेंट होती हैं ज़मीन की उनके भी कोई हमें पता नहीं था कि ये क्या अंदर चक्कर चल रहा है, तो वो अबेंडन करना पड़ा। मगर आज आप जाके देखें तो वो बाढ़ अभी तक लगी हुई है और वहाँ दर्जनों गाड़ियाँ जो हैं वो रॉट हो रही हैं,
और बहुत महंगी मशीनरी है जो उसको जंग लग रहा है और चोरी होती है रोजाना की बुनियाद पे वहां से सरकारी पैसे से खरीदी हुई मशीनरी और सरकारी पैसे से खरीदी हुई गाड़ियों के पार्ट और पुर्जे चोरी होते हैं वहां पे एंड देयर इज नो वन टू रियली बॉदर अबाउट दैट। और वो उसके ऊपर कोई मिनिमम ऑफ 9 एंड मैक्सिमम ऑफ 12 बिलियन रुपीज ऑफ दिस पुअर नेशन टैक्स पेयर का पैसा वहां पे लगा है एंड देयर इज नो अकाउंटेबिलिटी फॉर दैट। अच्छा बदर साहब, अब क्या है, क्या किया जाए कि वहां पे जो है माहौल का जो मसला पैदा हो गया है और ओवरऑल जो बैकवर्डनेस है वहां की, क्या क्या आपके ख्याल में क्या सलूशन है? मेरा ख्याल में जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि ये दुनिया भर में ये एक कंसेंसस है कि पाकिस्तान जो कोयले की बैंड वैगन है उसको मिस कर गया था और अब हम जो लेट स्टार्टर के तौर पे शुरू हुए हैं तो हम गलत वक्त पे कोयले का इस्तेमाल करना शुरू हो गए हैं। एक ऐसे वक्त में जब मुतबादल ज़राए तवानाई जैसे खास तौर से सोलर है और विंड है वो ना सिर्फ ये कि टेक्नोलॉजिकली बहुत फिजिबल हो गए बल्कि उनकी जो कॉस्ट ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन है वो भी बहुत नीचे आ चुकी है और यही थर जिसके अंदर से हम कोयला निकालने की कोशिश कर रहे हैं, इसी थर के अंदर मीडियम लेवल के विंड के ज़राए भी मौजूद हैं और हाई लेवल के सोलर के ज़राए भी मौजूद हैं। तो एक तो ये कि पाकिस्तान को ये चाहिए कि थर के अंदर मजीद जो हो चुकी है माइनिंग उसको उसके अलावा मजीद माइनिंग बिल्कुल बंद कर दे और ये जो तस्वर है कि थर की कोल जो है या थर का कोयला जो है उसकी माइनिंग करके तो बाकी जो हमने प्लांट इंपोर्टेड कोल पे लगाए थे उसकी भी एक और कहानी है, वो भी बहुत एक नाकस फैसला था और गलत फैसला था गलत वक्त पे। खैर वो इम्पोर्टेड कोल पे जो चल रहे हैं हमारे यहाँ प्लांट्स उनको लोकल कोल पे किया जाए, मेरे ख्याल में ये भी एक बहुत नाकिस फैसला होगा, इससे थर की कोल माइनिंग को बढ़ाना पड़ेगा। आपको थर के अंदर कोयले की ट्रांसपोर्टेशन के लिए आपको पूरी एक रेलवे लाइन 105 किलोमीटर की बिछाना पड़ेगी जो कि सारी कॉस्ट ऐसी हैं जो अल्टीमेटली कोयले की बिजली की कीमत में दाखिल नहीं होंगी और टैक्स पेयर को डायरेक्टली देना पड़ेगी, नंबर वन। नंबर टू, कोयले की कान आप बढ़ाएंगे, कोयले की ट्रांसपोर्टेशन बढ़ाएंगे तो थर के एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स कम नहीं होंगे और भी ज्यादा हो जाएंगे। थर में जो लोगों की लैंड को लेने का प्रोसेस है वो और भी तेज हो जाएगा क्योंकि रेलवे के लिए भी आपको लैंड चाहिए, माइन एक्सपेंशन के लिए भी आपको लैंड चाहिए। तो बजाय इसके कि हुकूमत ये कन्वर्जन और लैंड कोल माइन एक्सपेंशन और रेलवे के प्रोजेक्ट्स को फैलाने की तरफ और उनके ऊपर इन्वेस्टमेंट करने की तरफ जाए, हुकूमत यही पैसा सोलर और विंड के जो प्रोजेक्ट्स हैं इनकी तरफ रीडायरेक्ट करे और कोयले की कानों को इस वक्त जहां पे खड़ी हुई हैं इसी वक्त उनको इतना ही रखा जाए और कोयले की बुनियाद पे जो होने वाली बिजली की पैदावार है उसको इतना ही रखा जाए और आने वाले 16 सालों में तरीके सोचे जाएं कि किस तरह से थर में कोयले को फेज आउट किया जा सकता है, किस तरह से, जाहिर है उसमें बड़ी बड़ी रकमें इन्वॉल्व हैं, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स इन्वॉल्व हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां इन्वॉल्व हैं और बहुत बड़े बड़े उसमें माइनिंग ऑपरेशंस और एनर्जी प्रोडक्शन के प्रोसेसेस इन्वॉल्व हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप उनको सुबह ही उखाड़ के बाहर फेंक दें मगर उनका एक ग्रेजुअल फेज आउट का तरीकाकार बनाया जाए जिसके जरिए जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की है उनकी इन्वेस्टमेंट महफूज रहे, जो वहाँ पे कोल माइनिंग वहाँ पे हो चुकी है उनको उस कोल माइनिंग को एक सस्टेनेबल तरीके से आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली उसको फेज आउट किया जाए ताकि उसके एब्रप्टली उसको बंद करने के जो नाकिस एनवायरमेंटल इम्पैक्ट हो सकते हैं उनसे बचा जा सके। जो वहाँ पे पावर प्लांट्स लगे हुए हैं वो बहुत नए पावर प्लांट्स हैं और बहुत वो कॉस्टली पावर प्लांट्स हैं, उनको फौरन उखाड़ फेंकने का कोई जवाज नहीं होना चाहिए, अलबत्ता उनके भी ग्रेजुअल फेज आउट का एक प्लान बनाना चाहिए ताकि जो उसमें पैसा लगा हुआ है वो जाया ना हो जाए। तो ये मेरे ख्याल से एक मुस्तकबिल की एक पाथवे है और ये इसका ये मतलब हरगिज नहीं है कि जो इस वक्त सिचुएशन है इसको ओवरनाइट बदल दिया जाए, ये वही बात होगी अगर मैं कहूँ इसको ओवरनाइट बदल दिया जाए जिसको मैं अभी क्रिटिसाइज करके हटाऊं कि समर मुबारक मंच साहब या इस तरह के बहुत सारे लोग हमें ओवरनाइट चेंज के ख्वाब दिखाते हैं, हम ओवरनाइट चेंज की बात ही नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं कि जो काम हो रहा है थर में इसकी स्केल को ना बढ़ाया जाए, जितना हो चुका है उतना वो उसको फिलहाल जो हो चुका है उसको इसी लेवल पे रखा जाए और उसके फेज आउट का एक बाकायदा फाइनेंशियल एनवायरमेंटल इकोनॉमिक और टेक्नोलॉजिकल प्लान बनाया जाए क्योंकि टेक्नोलॉजीज अब अवेलेबल हैं,
दुनिया के अंदर फाइनेंशियल मैकेनिज्म भी अब अवेलेबल हैं जो इस फेज आउट को हेल्प आउट करने में हमें हमारे साथ काम कर सकते हैं। तो उनके लिए एक प्रोग्राम बनाया जाए, कैन नॉट गिव अ टाइमलाइन कि वो 2 साल में हो सकता है या 5 साल में या 10 साल में। मैं साइंटिफिक या टेक्नोलॉजिकल बंदा नहीं हूँ उस हवाले से, वो ज्यादा और लोग आपको तफसील से बता सकेंगे, मगर एक फेज आउट का पाथवे, एक फेज आउट का टाइम फ्रेम, एक फेज आउट की फिजिबिलिटी, वो डेफिनेटली उसके ऊपर थिंक थ्रू किया जा सकता है और अगले कोई आने वाले डेकेड के अंदर अंदर ही या शायद उससे कम या ज्यादा अरसे में इस कोल का सारा जो मसला है इसको लपेट के उसकी जगह पे मुतबादल ज़राए तवानाई लेके आया जा सकता है। अच्छा बदर साहब, साहिवाल में भी तो एक पावर प्लांट लगा है जो कोल से चलता है, तो उससे कितनी पोल्यूशन पैदा हो रही है और क्या मीडिया हमारा जो है टीवी चैनल्स खास तौर पे हाउ रिसेप्टिव आर दे टू योर मैसेज? अगर आप वहां पे जाना चाहें तो क्या वो आपको अलाउ करेंगे कि आप बात करें, लोगों को एजुकेट करें? ये आपने बहुत जबरदस्त सवाल किया है। साहिवाल का पावर प्लांट कोई सेन गवर्नमेंट कभी ना लगाती, मगर हम चूंकि सेन पॉलिसीज बनाने के कायल ही नहीं है और अहल भी नहीं है, तो हमने इंपोर्टेड कोल के ऊपर एक पावर प्लांट हमने साहिवाल में लगा लिया। आप जरा अंदाजा करें कि कोयला साउथ अफ्रीका या इंडोनेशिया से आएगा, वो कराची की बंदरगाह पे डाउनलोड होगा और डाउनलोडिंग के आप वहां जाके हालात देख लें, कोई हमारे कोई सेफ डाउनलोडिंग यार्ड कोई नहीं है, वो ओपनली पड़ा हुआ है वहां पे कोयला, और वहां से उसको गाड़ियों में बिठाएंगे कोयले को और उसको 1000 किलोमीटर से ज्यादा का सफर करवा के साहिवाल में लाएंगे। अब आप इसको ये देखिए कि ये जो 1000 किलोमीटर का सफर है इसमें आपको डॉन अखबार की या दूसरे अखबारों की खबरें मिल जाएंगी कि कई बार ऐसा हुआ है कि अगर 100 टन कोयला मिसाल के तौर पे कराची से चला है तो वो साहिवाल पहुंचते पहुंचते 80 टन रह गया, 20 टन कोयला चोरी हो गया। तो ये चोरी हो रही है सरकारी पैसे की, इसकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। फिर वो कोयला 1000 किलोमीटर चल के आता है जो एनवायरमेंटल पोल्यूशन वो क्रिएट करता है, उसकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। फिर वो एक इंतहाई जरखेज तरीन हमारा एरिया है, एग्रीकल्चरल हार्टलैंड है, हमारी फूड बास्केट है, वहां पे हमने पोल्यूशन का निजाम कायम कर दिया है कि कोयले के ऊपर हमने पावर प्लांट लगा दिया। और बिल्कुल अगर आप उस पावर प्लांट की लोकेशन देखें तो वो एक बहुत बड़ी नहर के ऊपर लगा हुआ है, क्योंकि कोयले के पावर प्लांट्स को पानी की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, तो वो पानी उस पावर प्लांट से सर्कल होके वापस उस नहर में आता है। तो बहुत ज्यादा तो मैं इसका चीज का एक्सपर्ट नहीं हूं, मगर कोई ना कोई कुछ ना कुछ उसमें ऐसे अनासे जरूर शामिल हो जाते होंगे जो इरिगेशन के लिए, एग्रीकल्चर के लिए नुकसानदेह होते होंगे, कुछ ना कुछ और नहीं तो वो कम से कम पानी का जो टेम्परेचर है वो लो टेम्परेचर का पानी अंदर जाता होगा और हाई टेम्परेचर का पानी वापस आता होगा। तो उसका भी आप देख लें कि उसका भी आप पाकिस्तान की एग्रीकल्चर के हवाले से देखें तो वो कोई इतनी कोई यूजफुल बात नहीं है, हेल्पफुल बात नहीं है, डेफिनेटली उसका कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ नुकसान जरूर होता होगा, मगर कभी किसी ने क्वेश्चन नहीं किया। पीएमएलएन का नैरेटिव ये है कि हमने मुल्क में बत्तियां जला दी, भाई बत्तियां आपने जला दी एट अ वेरी हाई एनवायरमेंटल कॉस्ट और आज हमें पता चल रहा है एट ऑल्सो ए वेरी हाई फाइनेंशियल कॉस्ट। अब आप देखिए कि वो कहेंगे कुछ लोग के जी ये जो साहिवाल का पावर प्लांट है ये हमारे ग्रिड को मेनटेन रखने के लिए बहुत जरूरी था यहाँ पे लगाना, तो उसका जवाब ये दिया जा सकता है कि पिछले कई महीनों में, इसी साल और पिछले साल, साहिवाल का पावर प्लांट जो है वो 10% से ज्यादा भी नहीं चलता था। कई ऐसे मौके हैं जब वो मुकम्मल तौर पे बंद रहा है, तो उसका मुकम्मल तौर पे बंद रहना और उसका बहुत कम यूटिलाइजेशन होना, इसके बावजूद हमारा ग्रिड चलता रहा है, तो ये तो आर्ग्यूमेंट जो है वो टेनेबल नहीं है, वो सस्टेनेबल नहीं है। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि ये, और ये प्लांट अगर आप देखेंगे बना कब है, 2014 के बाद बना है, और 2014 में अगर आप ट्रेजेक्ट्री देखें सोलर पावर की और विंड पावर की, तो ये दोनों इंतहाई सस्ती से सस्ती होती जा रही थी और इंतहाई फिजिबल होती जा रही थी। हमारे जो इंतहाई विजनरी लीडर्स हैं उन्होंने बिल्कुल सोचा ही नहीं कि ये अगले 30 साल के लिए हम एक पावर प्लांट लगा रहे हैं जिसकी जो एनवायरमेंटल और फाइनेंशियल कॉस्ट हम दे ही नहीं सकते। तो अगर आप विजनरी होते तो आप मुस्तकबिल की किसी टेक्नोलॉजी पे जाते, उसके बजाय आप एक माजी की टेक्नोलॉजी पे चले गए जिसका नुकसान ही नुकसान है। और सिर्फ साहिवाल में नहीं, हमने पोर्ट कासिम में एन पोर्ट के ऊपर हमने एक इंपोर्टेड कोल का पावर प्लांट लगाया अंडर द सेम गवर्नमेंट, और उसके अलावा हमने हब के अंदर जो कराची से बाहर बलूचिस्तान का एरिया है
वहां पे हमने लगाया, तो तीन बड़े पावर प्लांट सामने कोयले के 2014-2015 के बाद लगाए हैं, जो कि मेरे ख्याल में एक क्राइम है अगेंस्ट द एनवायरनमेंट ऑफ दिस कंट्री एंड ऑल्सो द फाइनेंशियल स्टेटस ऑफ दिस कंट्री, जो कि इतना मतलब हमारा खराब है और हमने इम्पोर्टेड कोयले के ऊपर ये लगा दिए बगैर सोचे समझे कि इनकी क्या इम्प्लीकेशन हमारे लिए हो सकती है। तो मीडिया किस हद तक कोऑपरेटिव है आपके साथ टू स्प्रेड दिस मैसेज ऑफ अवेयरनेस? जी मीडिया तो मेरे साथ क्यों कोऑपरेटिव होगा, ना तो मैं अखबारात में ऐड दे सकता हूँ बड़े बड़े, और ना ही मैं किसी जेट जहाज पे लोगों को बिठा के थर में ले जा सकता हूँ और उनको पावर प्लांट्स के अंदर की सैर करा सकता हूँ और उनको उधर 5-star फैसिलिटीज वाले जो हॉस्टल्स और बोर्डिंग हाउसेज हैं उनमें ठहरा सकता हूँ। आप जरा इमेजेस देखें, हमारे जो सहाफी दोस्त लाहौर से, कराची से, इस्लामाबाद से जाते हैं, वो जेट जहाज पे जाते हैं, वहां पे एयरपोर्ट पे उतरते हैं, बड़ी बड़ी टिंटेड ग्लासेस वाली गाड़ियों में बैठते हैं और एक खास एरिया में चले जाते हैं जहाँ पे पानी के तालाब बने हुए हैं और जहाँ उन तालाबों में मछलियां गर्दिश कर रही हैं और जहाँ पे पिकनिक स्पॉट्स बनी हुई हैं और जहाँ पे बहुत ही खूबसूरत किस्म के रिहायश के कमरे बने हुए, वहां वो ठहर के आते हैं और वहां पे अपनी सेल्फियां बनाते हैं और तस्वीरें बनाते हैं और वापस आके कहते हैं जी कि वाह वाह वाह, थर में तो बहुत तरक्की हो गई। भाई थर का जो पावर प्लांट्स का एरिया है, ये अभी दो ब्लॉक्स हैं थर के अंदर, और ये दो ब्लॉक्स जो हैं, ये अगर आप देखें तो थर के टोटल इलाके में 10% से भी कम इलाका है जिसमें ये मौजूद है। तो आपने तो थर देखा नहीं है, आप तो सिर्फ पावर प्लांट और इसके इर्द गिर्द की जगहों की सैर करके आ गए हैं, और जो उन्होंने कुछ हुकूमत ने, स्टेट ने या कंपनीज ने प्रोपेगेंडा के लिए चीजें बनाई हुई हैं उनको विजिट करके आ गए हैं। मिसाल के तौर के ऊपर 15-20 खवातीन वहां पे ट्रक ड्राइविंग करती हैं, तो उनकी ट्रक ड्राइविंग देख के आप आ जाते हैं। आप इसी तरह के और भी CSR के, कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के कुछ छोटे मोटे मनसूबे हैं कि कहीं पे वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट लगा दिया है, कहीं पे कोई स्कूल बना दिया है, कहीं पे छोटा मोटा अस्पताल बना दिया है, तो वो देख के आप आ जाते हैं। उसके जो डीपर एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स हैं वो उनको आप टोटली नज़रअंदाज करते हैं और आके उसके हक में लिखते हैं, जिससे गवर्नमेंट के ऊपर जो प्रेशर लोकल आबादियां बनाती हैं कि हमारे हकूक सलब हो रहे हैं, वो प्रेशर हट जाता है, क्योंकि जो फिजा बनती है उस फिजा के अंदर ऐसे लगता है कि जैसे कोयला वाकई जो है वो थर की किस्मत जो है वो ठीक तरह से बदल रहा है। तो ना तो आपको पता चलता है वहां जाके कि थर के अंडरग्राउंड पानी के साथ क्या हो रहा है, ना आपको पता चलता है कि थर के सरफेस वाटर के साथ क्या हो रहा है, ना आपको ये पता चलता है कि थर के जो नबातात हैं, थर के जो पौधे हैं, थर के जो दरख्त हैं उनके ऊपर क्या गुजर रही है, ना आपको ये पता चलता है कि थर के मवेशियों के साथ क्या बीत रही है, ना आपको ये पता चलता है कि थर के बच्चों, औरतों और घोड़ों के साथ क्या बीत रही है। तो आप आके एक ओवर सिंप्लीफाइड किस्म का जो गवर्नमेंट का प्रोपेगेंडा है उसको रिप्रोड्यूस कर देते हैं, तो उससे मुझे लगता है थर के लोगों को तो कोई फायदा नहीं होता और मुल्क को भी कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि आप देखेंगे एक माजी की टेक्नोलॉजी को हम प्रमोट कर रहे हैं, एक ऐसी टेक्नोलॉजी को प्रमोट कर रहे हैं जिसकी पूरी दुनिया में अब ये कहना शुरू हो गई है दुनिया की, इसको फेज आउट ही इलाज है, क्योंकि ये क्लाइमेट चेंज के अंदर एक मेजर कंट्रीब्यूटर है, ये एक गंदी डर्टी टेक्नोलॉजी है जिससे निजात हासिल करना इंसानियत का एक हदफ बन चुका है, और हम ऐसे मुआहदे कर रहे हैं जिसमें अगले 30 साल या 50 साल हम कोयले की कानकनी करते रहेंगे और कोयले से बिजली पैदा करते रहेंगे। तो ना सिर्फ मेरी और आपकी जेनरेशन बल्कि हम अगली जेनरेशन के लिए भी एक मुसीबत का सामान पैदा कर रहे हैं, और उसमें हमारे जो जर्नलिस्ट दोस्त हैं वो मुझे लगता है कि वो एक जो हुकूमती प्रोपेगेंडा है या हुकूमती जो साइड है या जो कोयला की डेवलपमेंट करने वाली कंपनियां हैं उनकी जो साइड है वो इस स्टोरी में बहुत शिद्दत से लिखते हैं, और कभी गहराई में जाके वक्त गुजार के वहां पे वो कभी भी अपनी रिपोर्टिंग इतनी नहीं कर पाते, टाइम भी नहीं होता। आप लाहौर से जाएंगे कितने दिन रह देंगे थर में, या आप कराची से इस्लामाबाद से जाएंगे तो कितना टाइम गुजार लेंगे, फिर लैंग्वेज का बैरियर है, फिर कल्चर का बैरियर है, तो आपको वो सारा कुछ अंडरस्टैंडिंग स्टैंड करने के लिए कुछ टाइम बिताना पड़ेगा थर में, तब जाके एक आपकी स्टोरी के अंदर वो डेप्थ आएगी, रिपोर्टिंग के अंदर वो एक तरह की सॉलिड एविडेंस आएगी जो आपको दोनों साइड्स ऑफ द स्टोरी को बयान करने की एहलियत देगी।
वरना अभी तक तो एक वन साइडेड स्टोरी चल रही है। अच्छा बदर साहब, आप लोगों ने, आप जैसे लोग जो इस पे अवेयरनेस फैला रहे हैं, क्या आपने कोशिश की प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ से या बिलावल से मिलने की, और एनी कंक्लूडिंग थॉट्स? कोई अभी कोशिश इस तरह से डायरेक्टली तो नहीं की कि इतने बड़े बड़े लोगों से मिला जाए। ये जाहिर है अरबाब इक्तदार हैं, उनके दरवाजों तक पहुंचना, उनसे शर्फ वारियाबी हासिल करना इतना कोई आसान काम नहीं है। और दूसरी बात यह कि हमारा काम थर में ये नहीं है कि हम थर के लोगों के बिहाफ पे अरबाब इक्तदार को मिलें। हमारा काम ये है कि अगर थर के लोग मिलना चाहते हों तो हम कोई, अगर कोई उनकी हेल्प कर सकते हैं। वो अनफॉर्चुनेट बात यह है कि हम खुद इतने पॉलिटिकली पावरफुल नहीं है कि हम थर के लोगों को डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर तक ले जाएं या बिलावल साहब तक ले जाएं, मगर एक एफर्ट, एक जदोजहद जारी है। उसमें जैसे मैंने अभी बहुत सारे जर्नलिस्टों का नाम लिया कि वो वन साइडेड स्टोरी कर रहे हैं, तो उसमें बहुत सारे ऐसे जर्नलिस्ट भी ओवर द लास्ट फ्यू ईयर्स हमें मिले हैं जो वाकई में इस पे इन डेप्थ स्टोरीज करना चाहते थे और उन्होंने वाकई में किए हैं। और तमाम बड़े अखबारात में भी, और जो अखबारात से हट के यूट्यूब चैनल्स हैं और इस तरह के जो नॉन मेन स्ट्रीम मीडिया आउटलेट्स हैं उनके अंदर भी एक बड़ा एक साइजेबल ग्रुप ऑफ जर्नलिस्ट पैदा हुआ है। फिर ये कि बहुत सारे जो पॉलिटिशियंस हैं उनके साथ एंगेजमेंट हुई है, लोकल लेवल पे भी, रीज सिंध के लेवल पे भी और नेशनल लेवल पे भी। फिर सिविल सोसाइटी के जो लोग हैं बहुत सारे, उनके अंदर भी एक अवेयरनेस पैदा हुई है। थर के अंदर तो खैर ये अवेयरनेस हमेशा से मौजूद थी, मगर थर से बाहर भी एक अवेयरनेस पैदा हुई है, जैसे कि कराची में या लाहौर में, इस्लामाबाद में या सिंध के दूसरे अजला में, कि ये एक इशू है जिसके ऊपर शायद सिविल सोसाइटी को अपनी जो फोर्सेज हैं उनको यूनाइट करना चाहिए और एक यूनाइटेड मैसेज भेजना चाहिए टू द पीपल हु मैटर। फिर इसके साथ साथ कुछ रिसर्चेज भी ऐसी हुई हैं जिन्होंने थर के लोगों के मौकफ को बैक किया है, सपोर्ट किया है। एविडेंस ऐसी इमर्ज हुई है अबाउट अंडरग्राउंड वाटर, अबाउट सरफेस वाटर, अबाउट एयर पोल्यूशन, जो ये साबित करती है कि थर के लोग जो हैं, जो शिकायत कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं। तो हमारा ये ख्याल है कि जो मीडिया के अंदर हमें कोई एक ग्रुप ऑफ जर्नलिस्ट हमें सपोर्ट कर रहा है, ये जो सिविल सोसाइटी के अंदर लोगों के अंदर एक अवेकनिंग, एक रियलाइजेशन पैदा हुई है, और जो आप कह रहे हैं पॉलिटिशियंस जो हैं वो इस मसले से इंक्रीजिंगली आगाह हो रहे हैं कि इस मसले का जो एक वन साइडेड सिंगल ट्रैक सॉल्यूशन सोचने के बजाय इसको एक मल्टी प्रॉन्ग्ड और नुएंस तरीके से इसको सोचने की जरूरत है। और इसके साथ साथ आप समझ लें कि जो एक ओवरऑल पब्लिक अवेयरनेस क्लाइमेट चेंज के बारे में, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन के बारे में पैदा हो रही है, तो उससे थर के लोगों का मैसेज, हमारी तवक्को ये है कि पहले से ज्यादा शिद्दत से और पहले से ज्यादा ताकत से लोगों तक पहुंच रहा है। अब वो उसके नतीजे में पॉलिसी कितनी देर में बदलती है, उसके नतीजे में स्टेट और हुकूमत और अरबाब इक्तदार अपने फैसले जो हैं उनको बेहतरी की तरफ कितनी जल्दी लेके आते हैं, वो अभी दैट इज व्हाट नीड्स टू बी सीन। थैंक यू वेरी मच ब्रदर साहब, आपने बहुत मुफीद बातें की और उम्मीद ये करनी चाहिए कि हमारे अरबाब इक्तदार और मीडिया तक भी ये पहुंचे और वो अपना रोल अदा करें और माहौल को जो है इस तबाही से बचाएं। थैंक यू जी, आपने बहुत टाइम मुझे दिया, बहुत शुक्रिया जी।